एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजू कुल्लस। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आपने पहले देखा मेरा डुगू बोल रहा था, बात कर रहा था मेरे से, तो मैंने वो क्लिप ऐड कर दिया था। तो व्लॉग तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं ना, मेरा मलाई काफ़ी दिन से इकट्ठा हो गया था, तो फ्रिज ना मतलब भरा भरा सा लग रहा था मुझे। तो पहले मैंने कल निकाला कुछ मैंने अभी रख दिया निकालने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और मैंने दाल बना ली है। शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, काम बहुत था मुझे, मैं बहुत बिजी थी, बच्चों के करके थोड़ी सी परेशान थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना काम पड़ा है मेरा अभी। यहाँ मैंने घी निकालने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे जो है मेरी दाल रेडी हो गई है। वो देखो बर्तन पड़े हैं अभी दोपहर के, और ये देखो दिख रहा है आपको, वो कहाँ घुसा हुआ है, ये कहाँ पे बैठी, इनके यही काम होते हैं बस। ये क्या कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं थी तो अब थोड़ा सा बेटर है। और कपड़े वॉश कर रही हूँ क्योंकि जल्दी काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और कल थर्सडे को जो है मैं कपड़े हमारे यहाँ पे क्या कई जगह नहीं वॉश किए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ही कंप्लीट कर लूँ। मैं इस रूम में ही धोती हुई, देखो अभी मिनट में खलारा उठा दूँगी सारा। तो अभी धुल रहे हैं मेरे कपड़े, देखना ये कौन कौन करता है, मैं बहुत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, फिलहाल मैंने बच्चों के डाले हुए, बच्चों के कम ही थे तो बस काम खत्म हो जाए जल्दी जल्दी। सुबह ना इसके पापा ने जो है उनके एक दो दिन से नाइट शिफ्ट है ना, तो उनको मॉर्निंग में सोना पड़ता है, तो मैंने मशीन यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दी है क्योंकि आवाज़ ना आए। कभी कभार मॉर्निंग में भी जो है मशीन लगा लेती हूँ, तो देखती हूँ अभी यार 7:15 होने वाले, 7:15, तो दाल को तड़का लगा दूँ, फिर आटा गूंद के रख दूँगी। गर्मी कितनी हो गई है यार। और अब मेरा डुगू जो है थोड़ा सा बेटर है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर तक। एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ पसारना पड़ रहा है मुझे बार बार। और ये साइड में मैं पाइप लगा दूंगी। और यार कभी मैं उधर किचन में भाग रही हूँ, कभी मैं वॉशरूम में भाग रही हूँ, मेरे को आज काम इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ना, क्योंकि कल मेरे को बहुत सारी वीडियोस बनानी है जहां मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, इसलिए। तो पानी कितना ठंडा हो गया ना, एकदम मौसम चेंज हो गया ना, पैक लगा दो यार पहले। ये देखो मेरी दाल बनके जो है रेडी हो गई है अच्छे से, अब मुझे चावल बनाने हैं इसके साथ, तो अब मैं चावल बनाने की तैयारी करती हूँ। समझ गई मैं, सारा दिन मुझसे काम करवा के अभी दोनों के दोनों बाप बेटे फिल्म में घुसे हुए हो, है ना, मूवी में। देखना डुगू। टाइम देख रहे हो, रात के 1:30 बज रहे हैं और इनका गला खराब हो गया। तो ये गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, और मैं इनको चाय बना के दे रही हूँ, एक कड़क अदरक
काली मिर्च वाली चाय बना के दे रही हूँ जिससे कि इनको थोड़ा सा बेटर फील हो। यार मौसम ही ऐसा चल रहा है, पहले बच्चे बीमार हो गए, अब ये, उससे पहले मैं हो गई थी, तो क्या करूँ यार। रात को 1:30 बजे उठ के देखो, वो अदरक काली मिर्च लौंग इलायची वाली चाय बन रही है इनके लिए, क्योंकि इनकी गले में जो है काफ़ी पेन हो रहा है और आज इनकी नाइट शिफ्ट है, तो इसलिए इनको चाय पी के जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है जो नेक्स्ट डे है, रात को आपने देखा था मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने अभी सारा काम फिनिश कर लिया और मैं शावर लेके हेयर वॉश करके आप लोगों के सामने आई, और मैं अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी लेके जा रही हूँ, और कॉफ़ी ग्लास में, क्योंकि उनको कप में पीना, देखो बच्चों का काम, खाना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मतलब उनको ना कप में पीने का शौक नहीं, तो मैं ग्लास में लेके जा रही हूँ, जो है जैसा है वैसे ही। दिखा भी नहीं सकती क्या लिख रहा है तू? मैं जाती तुझी आई था 1 2 3 हाँ। लिख के दिखा भी रहा हाँ, मैं सीधा तू बत्तू की, देखो इसका पेंसिल पकड़ने का स्टाइल देखो, बोल अब भैया दे, बोल गाइस ये देखो भैया दे भाई पप जाता मैं। हाँ। तो बस मेरे हस्बैंड जो है जा चुके हैं, और शाम का जो टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, तो मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चे भी बहुत मुश्किल से ठीक हुए, अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो मुझे भी थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, और मैं आपको मिलती हूँ कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ। मूड साफ सेट है यार, आपको पता, बच्चे भी बीमार हो गए, हस्बैंड भी बीमार हो गए, मौसम करके एक एसी बंद नहीं होता है, और बाकी हाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, रोहन और प्रिया ने मेरे को रिप्लाई किया है, देखते अभी क्या बात होती है उनसे, फिर मैं आपको बताती रहूँगी जो भी बात होगी उनसे, वैसे तो अब वो बिल्कुल ठीक है, और मिलती हूँ कल मैं आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, करिए, और सब्सक्राइब भी करो यार, जल्दी से जल्दी शेयर किया करो, कोई भी न्यू आता है तो सब्सक्राइब किया करो, आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और बस अभी मेरा जो है थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी भी, आज मेरे को अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील नहीं हो रहा, मौसम भी सुबह से ऐसा ही था, अभी थोड़ी सी धूप निकली है, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मैंने शावर लिया था और उसके बाद मेरे बाल अब सूख गई है, लाइट नहीं था, क्या बोल रही हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है, उटपटांग बोली जा रही, क्योंकि परेशान हूँ ना, तो समझ में नहीं लग रहा है मैं क्या बोली जा रही हूँ। हस्बैंड भी आज वो भी बिना खाना खाए चले गए, उन्होंने खाना खाया नहीं क्योंकि उनका मूड जो है थोड़ा सा ठीक नहीं था, कॉफ़ी पी उन्होंने और वो चले गए, तो बच्चे जो है अभी नीचे गए अपने बड़ी मम्मा और बड़े पापा के पास, बस वो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी लूँगी, फिर शाम की तैयारी करूँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ डिनर में क्या नहीं, बस मन सा दुखी है मेरा आज, क्योंकि हस्बैंड ऐसे ही चले गए खाना खाए बिना, तो वैसे ही मन सा मेरा ना वैसे लग रहा है कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे शाम को, बट काफ़ी टाइम लग जाता है यार, भूख लगेगी नहीं, कल रात से उन्होंने खाना खाया और अब देखो कितना टाइम हो गया, कॉफ़ी पी के गए बस, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी यार, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो ठीक है, बाय, लव यू।